दिल्ली में दर्दनाक हादसा, ट्रक ने 4 लोगों को कुचला, डिवाइडर पर सो रहे थे लोग। देश की राजधानी दिल्ली में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सीमापुरी इलाके में एक ट्रक ने डिवाइडर पर सो रहे 6 लोगों को कुचल दिया। दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज चल रहा है। मृतकों की पहचान 52 वर्षीय करीम, 25 वर्षीय छोटे खान, 38 वर्षीय सहा आलम और 45 वर्षीय राहुल के रूप में हुई है। वहीं 16 वर्षीय मनीष और 30 वर्षीय प्रदीप घायल हैं। जानकारी के अनुसार दिल्ली के सीमापुरी में डीटीसी डिपो रेड लाइट को पार करते हुए डीएलएफ टी पॉइंट की तरफ जा रहा था। देर रात 1:30 बजे तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क के डिवाइडर पर सो रहे 6 लोगों को कुचल दिया, जिनमें से 4 की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। घटना में शामिल वाहन का पता लगाने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी इंडिया न्यूज।